हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदिस कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मीठे पारे, जो कि बहुत ही इजी बन जाते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो सबसे पहले मैं लूंगी गेहूं का आटा और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, थोड़ी सी इलायची का पाउडर पिसी हुई, और अब मैं इसमें इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये है चाशनी, जो हम गुलाब जामुन बाहर से लेके आते हैं या घर पे भी बनाते हैं, तो गुलाब जामुन यूज़ हो जाने के बाद बहुत सारी चाशनी बच जाती है, तो हम इसी के पारे बनाएंगे। तो अब ये आटे में मैंने सब मिक्स कर लिया है, अब मैं इसमें ये चाशनी डाल के इसका आटा लगाऊंगी। और आटा सिर्फ ये चाशनी डाल के ही लगाना है, पानी नहीं डालना है इसके अंदर। इसको अच्छे से लगाने के बाद में आप देखिए, ये कुछ इस तरह से थोड़ा हार्ड डो रखना है, बहुत ही लूज़ नहीं रखना है। जैसे हम पूरी का आटा रखते हैं वैसे ही हार्ड डो रखना है। हम तेल लगा लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने तेल गरम करने रख दिया है, अब जहाँ पे आपको बेलना है वहाँ पे आप थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर लीजिए। एक बड़ी सी लोई ले लीजिए और इसकी एक मोटी सी रोटी बना लीजिए। ज़्यादा पतली नहीं बनानी है वरना ये फूलेंगे नहीं, कुछ इस तरह से। और अब मैं इसको कट कर लूँगी। यहाँ यहाँ पे मेरे पास पिज़्ज़ा कटर है, आप नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं, या इस तरह से जो डिज़ाइनर स्पून्स आती है उसको भी यूज़ करके आप बना सकते हैं, और जिस शेप को आपको पसंद है उस शेप का बना सकते हैं। मैं आज छोटे छोटे से पीस बना रही हूँ, तो इस तरह से मैं इसको स्क्वायर शेप में काट लिखिए, कुछ इस तरह से दिखते हैं, बहुत ही छोटे से बट बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने इस तरह से काट लिए हैं। तेल जब मीडियम हॉट हो जाएगा तब हम इसको डालेंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही कुक करेंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा सा गोल्डनिश कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारे टेस्टी मीठे पारे रेडी हो चुके हैं, जो बहुत ही इंस्टेंट बन जाते हैं। और जो वेस्ट होती है चाशनी, जो कभी कभी फेंकने में आ जाती है, उसका वेस्ट ना करके उसको रीयूज़ कर लीजिए और इस तरह से मीठे पारे बना लीजिए। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसकी वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।